सिर्फ 6 बच्चे? रंगोली कंपटीशन में सिर्फ 6 बच्चे आए हो? अरे क्लास में तो पूरे के पूरे 50 बच्चे हैं, बाकी के सारे बच्चे कहाँ गए? अरे हाँ सर, क्लास में तो 50 बच्चे हैं, पर किसी का मन नहीं था आने का, कोई नहीं आ रहा। ये बिंदर और मैं आ रहे थे तो हम खींच लाए इनको भी। क्या हो गया आजकल के बच्चों को? आजकल के बच्चे किसी भी कंपटीशन में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। हमारे समय में देखो, हम लोग भर भर के कंपटीशन किया करते थे। क्या होगा इन बच्चों का? तो सर अब क्या करना है, कंपटीशन कैंसिल? भाई ये सही है, ठीक है सर हम चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, चाहे 6 बच्चे हो चाहे 1 बच्चा हो, मैं कभी भी अपने रूल के खिलाफ नहीं जा सकता। कंपटीशन तो मैं करवाऊंगा। तो सर बता दो अब क्या करना है। तुम ही 6 लोगों में से 3 दिन की टीम बना देता हूँ। पर सर आप टीम में बांटोगे कैसे और टीम में होगा कौन कौन? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे सर मेरे को पता था सर आप यहीं आके अटकोगे, इसलिए मैंने पहले ही जुगाड़ कर लिया। आपके आने से पहले मैंने ये 6 पर्ची बना दी थी हमारे नाम की। आप इनमें से कोई 3 पर्ची निकालना, उससे एक टीम बन जाएगी, बाकी जो बचेंगे वो दूसरी टीम में। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। हाँ सर, ये लो। ये 3 और ये 3 अलग अलग टीम की पर्ची, अब जा रहा हूँ इसको खोलने। ओके सुमित ए, काजल ए, और ये रहा वरेंद्र ए। यानी ये सारे 3 लोग ए ग्रुप में हैं। अब मैं खोलने जा रहा हूँ बी ग्रुप के लोगों को। अरे सर अब पर्ची उठाने की क्या जरूरत है, अब तो जो बचे वो दूसरी टीम में हो जाएंगे। आजकल की जनरेशन थोड़ा ज्यादा फास्ट है। यू आर वेरी गुड। तो ये 3 लोग एक तरफ और ये 3 लोग एक तरफ। सर में ना दिमाग ही नहीं है भाई, मुझे तो लग रहा है सर पैसे दे के टीचर बने हैं। अच्छा भाई ऐसा भी होता है? हाँ हम भी बन जाएंगे। तो लगा ना कुछ जुगाड़। तुम दोनों टीम को एक एक क्लासरूम मिलेगा और उस क्लासरूम को तुम दोनों टीम को है सजाना और क्या करना है, रंगोली बनाना है। जिस टीम की रंगोली और रूम डेकोरेशन बेस्ट होगा वो टीम जीत जाएगी और हारने वाली टीम पूरे स्कूल की करेगी सफाई। अरे सर क्या बोल दिया ये आपने, ये तो तय है कि ये लोग हारेंगे। अबे जाना तू हारेगा हम जीतेंगे। अबे रहने दो, तुम्हें तो हम ऐसे लपेट देंगे। रंगोली बनानी भी आती है, रंगोली के आर का भी पता है तुम्हें। तेरी शक्ल से तो अच्छी बना लेंगे। हाँ देख लेंगे। अरे बस करो बस करो, और सुनो बच्चों, कल तुम्हें स्कूल के ड्रेस में आने की कोई जरूरत नहीं है, कल तुम सब अपने मन पसंद के कपड़े पहनकर आ सकते हो। अरे वाह, स्कूल की ड्रेस में भी नहीं आना। अरे सर क्या बात की आपने, लव यू। ठीक है बच्चों, अब सब लोग अपने अपने घर जाओ और तैयारी करो कॉम्पिटिशन की। बेस्ट ऑफ लक। हाँ चलो तैयारी करते हैं। ठीक है सर, बाय। भाई देखो कल है ना रंगोली कंपटीशन में हम ही जीतेंगे, ठीक है? हाँ भाई। और वैसे भी उनको तो कुछ भी नहीं आता, तो ये कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे। तो फटाफट से जाके अच्छे अच्छे कलर लाते हैं और सजाने के लिए अच्छा सा सामान लेके आते हैं, कमरे को एकदम चकाचक सजा देंगे। तो लाओ पैसे। हाँ। ये रे मेरे 30 रुपए। 30 रुपए? हाँ। तू दे। भाई मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं। सिर्फ 20 रुपए? हाँ 20 रुपए। सिर्फ क्या होता है भाई, 30 और 20 ये तो बस 50 हुए। भाई बाकी का जुगाड़ तू कर लेगा ना, तू है। हाँ हमें पता है तू कर लेगा। हाँ चल निकल। अरे मैं क्या कर दूंगा, मैंने सोचा तुम लोग ज्यादा लाओगे, तो मैं तो बस 100 रुपए लेके आया था, तुम तो मेरे से भी कम लाए हो। ये तो 150 रुपए हो गए, 150 रुपए में क्या ही होगा? अरे यार 150 रुपए में तो कुछ भी नहीं आएगा और वो लोग ज्यादा सामान ला के हमसे जीत जाएंगे। भाई एक काम करेंगे ना, सेकंड हैंड ले लेंगे। सेकंड हैंड? अबे रंगोली के कलर कौन सेकंड हैंड रखता है भाई, पिछली दिवाली के इकट्ठे कर रखे हुए ना दुकानदार ने। अरे तू रहने दे बस। अब क्या कर सकते हैं? अब क्या, पैसों का जुगाड़ तो करना पड़ेगा। लेकिन कैसे करेंगे? हाँ भाई घर वालों ने 20 रुपए मुश्किल से दिए, अब तो सिर्फ थप्पड़ मिलेंगे। अगर घर वाले नहीं देंगे तो बाहर वाले देंगे। बाहर वाले देंगे कैसे? चलो मेरे साथ। मैडम भगवान के नाम पे 100 रुपए दे दो, हमारी ये दोस्त बहरी है, इसका इलाज कराना है हमें।
मैं क्यों दूं पैसे तुम लोगों को? अरे मैडम, भगवान आपका भला करेगा और इस बेचारी का इलाज हो जाएगा मैडम। प्लीज मैडम, 100 रुपए दे दो। 100 रुपए की तो बात है मैडम, दे दो ना, बहरी है बेचारी। पर मैं कैसे मान लूं कि ये बहरी है? अरे मैडम रुको, ए भैंस, ए 32 साल की बुढ़िया। देखा मैडम, देखा, बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया। हाँ मैडम, 32 साल की बुढ़िया आपको बोल दूं तो आप क्या करोगे? मुंह तोड़ोगे ना सीधा? बेचारी को सुनाई नहीं दिया तो कुछ नहीं किया। और मैडम, आपके पास तो दोनों कान सलामत है ना, और भगवान की दया से आप खूबसूरत भी हो। और खूबसूरत के साथ साथ आप सुंदर भी हो, तो आपकी तो आराम से शादी हो जाएगी। इस बेचारी बहरी लड़की के साथ कौन शादी करेगा? तो मैडम दे देना 100 रुपए, इलाज करवा लेंगे। अच्छा चलो दे देती हूँ। ठीक है मैडम, धन्यवाद। अबे ओए, तूने मुझे बुढ़िया कैसे कहा था? अबे बुढ़िया बोलने से 100 रुपए मिल गए। हाँ ये बात तो है। चलो अरे भाई साहब, हमारा दोस्त गूंगा है भाई साहब, कृपा करके इसके इलाज के लिए 100 रुपए दे दो भाई। 100 रुपए में इसका इलाज हो जाएगा? अरे भाई साहब, आप जैसे कितने दानवीर मिलेंगे जो इसके इलाज में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे। थोड़ा थोड़ा मिला के इसका इलाज हो जाएगा। लेकिन मैं कैसे मान लूं ये गूंगा है? देखो बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है। पर मैं मान कैसे लूं कि ये गूंगा है? अबे मान लेना, तेरे बाप का क्या जरा है। गूंगा बोल पड़ा, गूंगा बोल पड़ा, गूंगा बोल पड़ा। अबे झूठो, मुझको लूटने आते हो, फ्रॉड कहीं के? रुक जाओ, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। तो बच्चों, टीम ए का रूम नंबर 2, टीम बी का रूम नंबर 3। तो अब आप सब जाइए, अपने अपने क्लासरूम को डेकोरेट कीजिए और फिर मैं आऊंगा 2 घंटे के बाद। जिसका रूम सबसे बेस्ट डेकोरेट होगा वो होगा विनर, और हारने वाली टीम का तो आपको पता ही है, वो करेगी दीपावली पे सफाई। अरे सर मैं तो क्या कह रहा हूँ, इनको पहले ही झाड़ू पोछा चला के दे दो। सर इसे दो, इसे अच्छे से आता है, वैसे भी हम तो जीत ही जाएंगे। अच्छा हारने वाली टीम तो तुम्हारी है, देख लेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। अरे सर इसका तो मुंह भी चौकीदार जैसा है। Shut up! सब लोग चुप करो और फटाफट अपने काम पे लग जाओ। भाई प्लान क्या है? प्लान प्लान अच्छा सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले ये सारे बेंच हटाएंगे और यहाँ झाड़ू लगा देंगे, साफ सफाई कर लेंगे अच्छे से, ताकि रंगोली अच्छी बने, ठीक है? और बोर्ड पे दिवाली मैं लिख दूंगी और रंगोली मिलके बना लेंगे। हाँ। सही कह रहा है, रंगोली में रंग तो मिलके ही भरेंगे। हाँ इस बार देखना, हम पक्का जीतेंगे। ओए माँ। अबे प्लान क्या बनाना है, बस उनका कॉपी पेस्ट करना है, हम जीत जाएंगे, बस थोड़ा ही सा तो चेंज करना है। भाई बचपन से आज तक चीटिंग करते हुए आए हैं, अब दिमाग लगाएंगे क्या अपना? नहीं। हाँ तो चलो, देख कैसे टुकड़े टुकड़े देख रहे हैं। दंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं। चलो चलते हैं, इनको हरा के ही छोड़ेंगे। उठाई के झाड़ू सफाई वाला, मिल जाए मंत्र स्वच्छता वाला। इतनी गंदगी क्यों फैलाए, हाय हाय।
अब जरूर अरे खुद को जब बदलोगे देश तभी बदलेगा, इज्जत होगी अपनी देश तभी चमकेगा। उठई के झाड़ू सफाई वाला यार साफ सफाई तो हो गई, अब आगे क्या करें? हाँ यार वही तो समझ नहीं आ रहा, अब आगे क्या करें हम? अबे एक काम करता हूँ ना, जाके उन्हें देख के आता हूँ वो क्या कर रहे हैं, और वैसे भी हमें तो उन्हें कॉपी पेस्ट ही करना है ना। सही कह रहा है, जा 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 जा, जा। भाई सफाई तो हो गई, अब आगे क्या करना है? अरे आगे सिंपल है, हम लोगों ने जैसा प्लान किया था डिसाइड किया था, ये अभी ब्लैक बोर्ड पे जाके हैप्पी करवा चौथ लिख देगी। हाँ, तू ब्लैक बोर्ड पे हैप्पी करवा चौथ लिख दे। अरे यही तो यूनिक चीज है हमारी, इस बात का तो उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा भी नहीं होगा। हाँ वो बोर्ड पे हैप्पी दिवाली लिखेंगे और हम यहाँ पे जीत जाएंगे, हमारे पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। अरे यही तो हम जीतेंगे। हैप्पी करवा चौथ पर दिवाली है ना, अच्छा हमें बेवकूफ बना रहे हैं, अभी जाके बताता हूँ। फंस गया मुर्गा। चलो चलो तैयारी करते हैं, टाइम जा रहा है, चल अब फटाफट से हैप्पी दिवाली लिख दे। चल भाई अपन दोनों कलर लेके आते हैं। हाँ और रंगोली भी डिसाइड कर लेंगे कौन सी बनाएं। हाँ, पता चल गया क्या करना है। सबसे पहले हमें बोर्ड पे लिखना है हैप्पी करवा चौथ। करवा तो अबे तू पागल है क्या, अभी तो दिवाली है। अबे यही तो प्लस पॉइंट है, जो वो करेंगे वही हम करेंगे तभी तो जीतेंगे, और नहीं भी जीते तो क्या हुआ, कम से कम मैच तो ड्रॉ हो जाएगा। सही कह रहा यार, जाना जल्दी लिखना। वो लोग हमें बेवकूफ समझ रहे थे। हाँ भाई सही कह रहा है, उन्हें पता चलेगा हम कितने दिमागदार हैं। त्योहार बधाई हो, बधाई हो दिवाली की बधाई हो, रंगोली ने रंग जमाया। बधाई हो दिवाली की बधाई। पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना। हमारी रंगोली तो हो गई रेडी, और ब्लैक बोर्ड पे भी हमने लिख दिया, सब कुछ रेडी है ना? हाँ भाई सब कुछ रेडी है, वो भी टाइम से पहले। फिर ठीक है भाई, वैसे उम्मीद से अच्छी बन गई है ना? हाँ हाँ मेहनत लगी है ना भाई। हाँ बाकी तो सर ही बताएंगे अब। अरे भाई हमने टाइम से बहुत पहले रंगोली तैयार कर दी, और इससे अब एक दिक्कत हो गई यार। क्या भाई? भाई अगर सर के आने से पहले उनका वो पदोकड़ा अमन आ गया तो वो पाद मार के पूरी रंगोली उड़ा देगा। हाँ भाई ये तो तू सही कह रहा है, लेकिन तू चिंता मत कर, उसका भी इलाज है, मैं रंगोली के पास ही रहूंगा, वो आके तो दिखाए, हम उसको ही उड़ा देंगे। हाँ हम उसी को उड़ा देंगे। फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हम कितने फास्ट है ना, पहले ही तैयार कर दी। उन नल्लों की तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई होगी। रूम काफी अच्छा सजा रखा है, हमने तो कोई डेकोरेशन ही नहीं की थी भाई, मेरे को लगता है ये जीत जाएंगे। काफी ज्यादा खर्चा किया तुम लोगों ने। हाँ हाँ सर खर्चा तो हो गया थोड़ा। हाँ 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 हाँ।
अबे गधो, ये क्या लिख रखा है? हैप्पी दीपावली के दिन हैप्पी करवा चौथ। सर इसके तो एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे ना। अबे गधो, नंबर बढ़ेंगे नहीं, नंबर कटेंगे। रंगोली थोड़ी सी अच्छी है बस। गधो कहीं के। चलो इनके कमरे में चलते हैं अब देखने। टीम ए और टीम बी दोनों की रंगोली और डेकोरेशन मैंने देखी, दोनों के एफर्ट्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन टीम बी के डेकोरेशन टीम ए से ज़्यादा बेहतर था और टीम ए की रंगोली ज़्यादा बेहतर थी। चलो अब ज़्यादा घुमा फिरा के बातें नहीं करूँगा, मैं सीधे रिजल्ट पे आता हूँ। तो इस कॉम्पिटिशन की विजेता टीम ए है। लेकिन सर टीम ए कैसे जीत गई? हमने भी तो अच्छी डेकोरेशन करी थी। टीम ए ने कम पैसे खर्च करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है, इसलिए टीम ए जीती, समझे? तो जैसा कि डिसाइड किया गया था कि जो टीम हारेगी वो पूरे स्कूल की सफाई करेगी, तो यानी हारी कौन टीम है? बी। तो बी वालों सफाई के लिए रेडी हो जाओ। चलो चलो चपड़ासियों झाड़ू लगाओ। लेकिन सर हारने वाली टीम का तो हो गया, जीतने वाली के लिए भी कुछ तो होना चाहिए ना। हाँ सर कुछ तो होना चाहिए, देखो बनता है ये तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जीती हुई टीम के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, बाहर चलो फिर देता हूँ।